असलकम नादरीन मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी तो आज हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर और खारजी सूरत हाल पर सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आपस की जो जंग है उसके बारे में आपको बताएंगे तो सबसे पहले यह है कि पीपल पार्टी और न लीग ने आपस में एक दूसरे से बदले लेने शुरू कर दिए हैं और एक दूसरे के पेट में अब छुरे मारे जा रहे हैं और देखें अभी भी फजल रहमान साहब है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और बिलावल साहब जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और क्योंकि कुछ दिन पहले बिलावल साहब ने और पाकिस्तान पीपल पार्टी के अरकान ने शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ साहब को ऐसे जो तरीके से देखा ऐसे काम करते देखा कि अब उनके पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं जिससे ये वो कहते हैं कि आप लोग अब पांव पकड़ रहे हैं कि नून लीग अब पाँव पकड़ रही है डील कर रही है ताकि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सके जबकि बिलावल बुट्टो कहते हैं कि हमारा मुकाबला इस वक्त कठपुतली हुकूमत से है हम चाहते हम चाहते हैं कि हुकूमत को गिराया जाए लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और रहमान साहब अब ये नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाए तो ये अब दोनों का परेशानी बनी हुई है बिलावल साहब कहते हैं कि हम तो इस कठपुतली हुकूमत के इतने खिलाफ हैं इतने खिलाफ हैं कि हम तो इनसे मिलने के लिए जेल तक में गए हैं कि इनसे मिलके कोई इस तरह की हमत अमली बनाई जाए कि इसको लहदा किया जाए हुकूमत से इमरान खान को तो नून लीग जो है वो अब पकड़ने लग गई है और ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये बात कहाँ से आ रही है तो जनाब ये बात वहाँ से आ रही है कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि एक मीटिंग हुई थी बंद दरवाजों के पीछे लेकिन उसकी जो उसके अहवाल थे उसकी जो तफसीलात थी वो मीडिया बाहर भी दरवाजों से बाहर भी लीक हो गई हैं तो जिसकी वजह से अब पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं पीपल पार्टी के तो रहनमान को तो यकीन ही नहीं आ रहा शहबाज शरीफ साहब का यह भी कोई रूप हो सकता है तो अब उन, उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं वह बता रहे हैं दूसरे के साथ उनकी अब जंग समझने शुरू हो गई है पीपल पार्टी और नून लीग की तो पीपल पार्टी का ख्याल ये है कि नून लीग जो है वो डील कर रही है आ, तो एक और भी अंदर की खबर है कि नून लीग की जो अपनी पार्टी के बड़े हैं ना उनकी सेंट्रल जो कमेटी है उनकी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत को ना गिराने का फैसला किया है जिसमें ये फैसला किया गया कि मुल्क के मुआशी हालात इस वक्त इस कदर खतरनाक है कि इस वक्त हुकूमत में आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है इसलिए आ, आ, मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल भी हुकूमत गिराने के हक भी नहीं है इस वक्त तो आसफ जरदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं आसफ जरदारी साहब कहते हैं कि बजट हमारी कोशिश थी कि हुत बजट पास, पास ना करवा सके लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने बजट पास करवा लिया कहते हैं कि हम तो हस्पतालों से बीमार असल जरदारी जो है वो पार्लियामेंट हाउस उनको पहुँचाया गया लेकर उधर से मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो इतिहादी हैं फजल रहमान साहब वो गायब हो गए वो खुद ही नहीं आए तो हुकूमत ने इस वजह से आसानी से जो है वो बजट पास करवा लिया तो दरदारी साहब ने एक और बयान भी दिया दरदारी साहब कहते हैं कि मेरे है तो और मियाँ नवाज शरीफ साहब के डोमिसाइल में बहुत फर्क है मतलब उनका कहने का यह है कि करप्शन हम सब मिलकर करते हैं करप्शन पीपल पार्टी और नू लीग मिलकर करते हैं वो तो कहते हैं कि करप्शन हम मिलकर करते हैं हमारे फ्रंट मैन एक जैसे हैं। मुल्क की दौलत को लूट कर हम एक जैसे मुल्कों में लेकर जाते हैं और एक जैसे ही तरीके से हम नए नए तरीके याद करके करप्शन करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो तख्ते लाहौर कहते हैं ना वो मुस्लिम मियाँ नवाज शरीफ साहब को नून लीग को वो कहते हैं कि तख्ते लाहौर के जो शहनशाह हैं उनको तो रिलीफ मिल जाता है उनको जमानतें मिल जाती हैं वो तो बाहर के मुल्क चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए बल्कि इलाज करवाने के लिए नहीं इलाज के बहाने बाहर चले जाते हैं तो जबकि साहब कहते हैं कि हम जो है वो यहां फिर मुकदमे भोगते हैं हम जेलों में जाते हैं तो हमारे और इनके जो नून लीग है नून लीग की जो क्यादत है उनके डोमिसाइल में बहुत फर्क है जब और इसके अलावा वजीर अजम इमरान खान उन्होंने बात की थी जब ग्वादर गए थे नाराज जो बलोच रहनमाय उनको मनाने के लिए तो उसके वजह से अब इमरान खान साहब ने एक अपना नुमाइंदा मुकर कर दिया तो आपको सबसे ये पहले बताते चलें कि पहले ये जो हमारे बलोच जो नाराज रहनुमा है ये सब इंडिया के हाथों में खेल रहे थे भारत के हाथों में खेल रहे थे और अब चूंकि इंडिया अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल करके जा चुका है इंडिया का वहां कुछ भी नहीं रह गया रात के अंधेरे में बत्तियां बुझा के अमरीकी और भारतीय फौजी वहां से भागे हैं तो अब जो पीछे सफारती अमला उनका रहता है जो उनके लोग रहते हैं वो अपने सफारतखाने भी ऐसा, ऐसा ऐसा बंद कर रहे हैं अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं अरबों डॉलर की जो सरमायाकारी उन्होंने दहशत गर्दी फैलाने के लिए की थी अफगानिस्तान में जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो दहशत गर्दी करवा रहे थे वो सारी उनकी बेकार गई है अब तालिबान उनके साथ बात करने को जरा भी तैयार नहीं है अब वो वहां से निकल रहे हैं तो जो हमारे बलोच नाराज जो रहनुमा जो लोग थे जो कई दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं तो वीर इमरान खान ने अब यह फैसला कर लिया कि उन राहनमाओं को अब मनाया जाएगा तो उसके लिए उन्होंने इंतख्य किया जमहूरी वतन पार्टी के जो जो सरबरा उनके शाहजैन बुगटी शाहजैन बुगटी जो है वो बलोच रहनमां जो उनको मनाने का काम करेंगे ये नादरी मनमाजी में भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं कि जिससे बलोचों के जो आ, तहफात थे जो उनकी एहसास महरूमी थी कि उनको खत्म किया जाए लेकिन जिन लोगों को इख्तियार दिए गए मादी में उन्होंने उन इस्लामाबाद के इख्तियार अपने जती मकासद के लिए इस्तेमाल किया ना कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने इसको किया तो अब जनाब शाहदेन बुगटी को दिया गया टास्क कि वो उन लोगों के साथ मुजाक्रत करेंगे उनको व फाकी के बराबर जो है वो मराहत दी गई है उनका उहदा दिया गया तो पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में जो शाहदेन बुगटी की जो शोहरत है वो इस तरह की नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां संभालने वाले बंदे के तौर पर नहीं है लेकिन शाहदेन बुगटी वो वाहद फर्द है जो जिन्होंने इंतहाई ओड सरकमस्टांसिस में भी बुरे हालात में भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जब उनके दादा जो अकबर बुगटी थे वो फोर्सेस के खिलाफ जो चले गए पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए तो उस वक्त उन्होंने उन हालात को देखा है कि कई लोग कहते हैं कि जी उसमें से एक पार्टी का कसूर है कुछ कहते हैं कि एक पार्टी का कसूर है एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है या फोर्सेस का कसूर है तो लेकिन जो भी था उन सब हालात से निकलकर शाहदैन बुगटी वो वाहद शख्सियत है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और माशाल्लाह वो नौजवान हैं एनर्जेटिक हैं उनके अंदर काम करने की सलाहियत भी मौजूद है और वो सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक बलोचपन है वो बलोची हैं बलोचपन है बलोच कल्चर को जानते हैं तो उनको ये मिल गई है जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ये खैर करे इंशाल्लाह ताला ये मसला भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा जबकि कुछ जो हल्के हैं कुछ सहाफ़ियों की हमारे दोस्तों की राय है कि एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए इस्लामाबाद और बलोचस्तान के लोगों के ऊपर जिसमें इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो शामिल हों कि जिसके जरिए जो बलोचिस्तान के मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाए बलोचि के अवाम का एहसास महरूम ही खत्म किया जाए एक शाहजैन बुकटियाँ वो तो ठीक है कि वो लोगों को क्रॉस द बोर्ड ले आएंगे वो कौमी इदारे में शामिल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे लेकिन जो लोगों के मसायल हैं वहां पर मतलब किसी को वहां यूनिवर्सिटी चाहिए हॉस्पिटल चाहिए सड़क चाहिए तो जो कुछ भी चाहिए उसके लिए कमेटी बननी चाहिए कि सात अरब के जो फंड हैं वो कैसे और कहाँ लगने चाहिए ताकि बलूचिस्तान में भी तरक्की का एक बाब रोशन हो तो जैसे जैसे अब आप देख रहे हैं कि पंजाब में सिंध में और शहरी इलाकों में जो जरी रकबा वो खतरनाक हद तक जो है वो कम हो रहा है खतरनाक हद तक जरिए रकबा कम हो रहा है तो ऐसे में बलोचिस्तान में एक बहुत बड़ा इलाक है जिसको जिसको मुनासब प्लानिंग के साथ और बंदी के साथ वहां पर जरात को मजदीद परवान चढ़ाया जा सकता है तो एक खबर आपको देंगे आई एम एफ से आई एम एफ की जो सरबरा है क्र, क्र, क्रिस्टलिना जारजवा ये इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है जी ट्वेंटी ममालिक तो सबसे पहले आपको बताएं कि जी ट्वेंटी ममालक है ना ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क है सबसे मज़बूत तरीन मीशत है इनकी और इन मुल्कों ने बाकी जो तरक्की पजीर मुल्क हैं पसमानदा मुल्क हैं उनको इन्होंने कर्जे दिए हुए हैं तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है जी ट्वेंटी ममालिक से वो गरीब मुल्कों के कर्जे माफ़ कर दें क्योंकि कोरोना की वबा के दौरान गरीब मुल्कों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का म्यार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गिर गया है तो उनको चाहिए कि वो गरीब मुल्कों के कर्जे माफ़ कर दें ताकि जो गरीब मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं वो नए सिरे से अपना स्टेप उठाएं और आगे बढ़ सकें तो जना नाजरीन ये एक और बात उन्होंने की उन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज है दुनिया के मिसाइल का हल यही है कि सारे मुल्क और सब लोग आपस में एक दूसरे के दुख बांटें और अमीर मुल्क गरीबों के करदे माफ कर दें और एक दूसरे को साथ लेकर चलें तो ये आज की खबरें थी शुक्रिया